वैसे ही अगर आप जानना चाहें और कुछ युवा भारतीय युवा जिन्होंने अंगों के बाहर दिव्यता की खोज में जो निकल गए थे, उनके नाम उनमें जैनों के 24वें तीर्थंकर वर्धमान, जिन्हें हम महावीर के नाम से जानते हैं, वो भी अग्रगण्य है। वो इसलिए अग्रगण्य है कि नाम उनका वर्धमान था और बचपन से ही उनकी इच्छा ये थी कि वो जो शरीर के बाहर कोई एक ऐसा चीज हो, कोई दिव्यता हो जो कि स्थिर हो, जो कि परिवर्तन जिसमें ना होता हो, जहाँ की शांति हो, उसे खोजे। इसलिए माँ को हमेशा पूछते थे कि भाई मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है, क्या ऐसा कुछ है जो शरीर के बाहर है। माँ कहती थी नहीं, मेरे जीते जी नहीं। तो जैसी हमारी परंपरा रही है कि बिना माँ के परमिशन के, बिना माँ के आदेश के आप संन्यास्त नहीं हो सकते, तो महावीर रुक गए। माँ गुजर गई उसी रात, एक वस्त्र लिया और अपने राज्य को छोड़कर बाहर निकले। जैसे वो निकल रहे थे तो संक्रांति का समय था और हल्की ठंड, हल्की क्या, थोड़ी उस समय अच्छी ठंड। एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्न आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि माँ के आदेश के बिना वो नहीं जा सकते थे, अब माँ आदेश दे नहीं सकती थी अपने जिंदा रहते हुए, तो क्या माँ में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने खुद को इस दुनिया से हटा ली जैसे कि बच्चा आगे चला जाए? हाँ बिल्कुल। आपने ये आदि शंकराचार्य की कहानी सुना होगा कि भाई एक 8 साल का बच्चा जिद करता है कि मुझे संन्यास्त होने दो, संन्यास्त होने दो। माँ बोलते नहीं। तो बोलने वाले तो बोलते हैं कि देवताओं ने स्वांग रच दिया कि नदी में, नर्मदा में नहा रहे थे और एक मगरमच्छ पकड़ लिया उसको, और शंकराचार्य बोलते आप तो छोड़ दे माँ, आदेश दे दे आप। और माँ बोलती है ठीक है संन्यास्त हो जाए, मगरमच्छ अपने जगह चला गया और आदि शंकराचार्य वापस संन्यास्त हो गए जाके। तो माँ का आदेश तो बहुत जरूरी है और सही भी है, क्योंकि जबरदस्ती किया हुआ कोई भी चीज उसमें वो दाग रह जाता है। बुद्ध वापिस आते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कहानी कविता है, बुद्ध वापिस आते हैं और माँ यशोदा उनकी पत्नी पूछती है कि जो तुम वहां पा गए यहां नहीं पा पाते थे क्या? और बुद्ध मौन रहते हैं, बिल्कुल पाया जा सकता था, बुद्ध मौन रहते हैं। एक नाराजगी सी रहती है यशोदा को, एक नाराजगी सी रहती है हमेशा से, क्योंकि आप जब पीछे छोड़ आते हैं किसी को बिना तैयारी के, तो फिर एक पूरा परिवार भी तो उस ढांचे में तकलीफ में आ जाता है। युवा संन्यास की जो परंपरा है वो महावीर जैन इनकी दी हुई है। भारतवर्ष में जो संन्यास होने की परंपरा थी वो तो आपके वर्णाश्रम के आखिरी में आता था ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास्त। तो आप उस समय छोड़ के जाते हैं, आप पूरी जिंदगी अपनी तैयारी में लगाते हैं और फिर निकलते हैं। तो इसलिए माँ का आदेश आवश्यक है, नहीं तो फिर आप पीछे और 4 लोगों को परेशानी में डालते हैं। स्वार्थी आप हो सकते हैं, इतने भी स्वार्थी नहीं, मतलब कैसा देश कैसा रहा होगा। तो महावीर निकलते चले गए, एक वस्त्र था, संक्रांति का समय था, तो जैसे वो निकले तो एक छोटा वो बुढ़ा बैठा हुआ था बाहर, तो उन्होंने अपना आधा जो कंबल तो नहीं था, एक चद्दर सा था, तो उसे फाड़ कर उड़ा दिया और आगे निकलते चले गए। और जैसे वो आगे निकलते चले जा रहे थे और सूरज उगता चला आ रहा था, तो उनका जो बाकी का आधा चद्दर था वो एक गुलाब के पौधे में लज गया। अच्छा। गुलाब के पौधे में जब लज गया तो महावीर उस चद्दर को छोड़ते हुए आगे चले गए दिगंबर के रूप में, ये सोचकर कि अगर प्रकृति को ही इच्छा नहीं है, अब क्या मैं खींचातानी करूंगा इस पौधे के साथ, अहिंसा के बिल्कुल भी। और महावीर आगे गए और उन्होंने ऐसा तपस किया कि वर्धमान से उनका नाम महावीर पड़ा। देखिए इधर वो कोई योद्धा नहीं थे पर उन्होंने स्वयं को जीता था, है ना। दयानंद सरस्वती बोलते हैं ना कि दूसरों पे विजय से पहले खुद को जय करी। तो दो शब्द हैं, एक विजय है एक जय है। विजय हमेशा दूसरों पे होता है, जय खुद के ऊपर होता है। पहले खुद को जीतो। तो उन्होंने खुद को जीता और ऐसा तपस किया था
कि उन्हें हम महावीर बोलते हैं। विरोधाभास देख रहे हैं, वीरता उन्होंने कुछ नहीं दिखाई, लेकिन बाहरी वीरता कुछ नहीं दिखाई। अलेक्जेंडर जैसा 1000 लोगों को नहीं मारा भाई, नहीं सम्राट अशोक जैसा मारा, लेकिन खुद को जीता, इसलिए महावीर उन्हें हम कहते हैं। इसको मीरा का एक पद याद आता है मुझे, जहाँ की मीरा बोलती है ना कि जहाँ बिठाए वहां बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर वारी वारी बलि जाऊं। ये बोलते हैं वो महावीर के, देखिए जीवन में कैसा होता है। महावीर ये कहते हैं कि अगर ऊपर वाले को इच्छा होगी तो भोजन मिलेगा, और मन में एक संकल्प कर लेते हैं। आज भी जैन मुनि करते हैं ऐसा, मन में एक संकल्प कर लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वहां मैं भिक्षा करूंगा, वहां भिक्षा मांगूंगा। तो एक बार उन्होंने ऐसा संकल्प कर लिया था कि ऐसा होना चाहिए कि बैलगाड़ी के ऊपर गुड़ रखा हुआ हो, पीछे एक बैल खड़ा हो जो कि उस गुड़ में अपना सींग उकेर रहा हो, और सामने से जाती हुई एक राजकुमारी जो कि हथकड़ियों में हो। अगर ऐसा वो घर है तो उस घर में मैं भिक्षा मांगूंगा। और कई दिनों तक वैसा नहीं, वैसा हुआ और वहां वो भिक्षा मांगे। और फिर शर्त ये भी था कि वो दे, अगर ना दे तो फिर अगला संकल्प आ जाए। अच्छा। तो जिसको बोलते हैं कि मैं द्रौपदी जैसा दोनों हाथ खड़ा कर दिया कि अब कुछ नहीं है मेरे पास, अब देखो तुम, तुम्हारी इच्छा। तो उस तरह का समर्पण करने वाले, उस तरह का विश्वास इस पूरे संसार के ऊपर महावीर जैसे एक युवा के पास था, इसलिए उन्हें हम वर्धमान जैसे एक युवा के पास था, इसलिए हम उन्हें महावीर बोलते हैं। तो इसी में अगर आप महात्मा गांधी को भी देखें, बिल्कुल सूट बूट में साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस करते थे, यहां आया देखा कि ब्रिटिशर्स उंगलियां तोड़ रहे हैं लोगों की, अर्थव्यवस्था का नाश किया हुआ है, जो कपड़े हम बुन जाते थे वो कपड़े अब मैनचेस्टर से आ रहे हैं, हमारा पूरा कपास वहां चला जा रहा है। तो उन्होंने ये प्रण किया कि नहीं, हम पहनेंगे सिर्फ खादी ही, और वही पहनेंगे जो कि बाकी के लोग पहनते हैं, और खुद काटेंगे। देश भर में घूम रहे थे, एक धोती और एक अंगवस्त्र डालते थे। तो बिहार से ट्रेन जा रही थी, गर्मी बहुत थी, उस नदी में उतरे, हर कोई उतरा उस नदी में मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए। तो भी मुंह धो रहे थे और पानी पी रहे थे नदी से, और सामने उसने देखा कि एक महिला है जो कि गर्दन तक पानी के अंदर डूबी हुई है, और कुछ देखा कि क्या वो क्यों ये जा क्यों नहीं रही है। तो उन्हें समझ में आया कि उसके पास एक ही वस्त्र था जो कि वो धोई थी, और वो अभी पानी के अंदर है, जब ये लोग निकलेंगे तो वो निकलेंगे जी। तो अपना ऊपर का अंग वस्त्र दे गए थे उस महिला को, और तब से वो एक ही पहनते थे कपड़ा। और विंस्टन चर्चिल ने उन्हें बोला था ना, हाफ नेकेड फकीर जी। और विंस्टन चर्चिल कैसा परेशान साइकोटिक होके अपनी आखिरी जिंदगी काटा, और बापू को जब गोली लगी थी तो क्या बोला था बापू जी ने, हे राम जी, हे राम, हे राम, मतलब मैं उसी रमणीय को देखता हूं, मैं उसी शक्ति को अब तुम में भी देख रहा हूं जो कि हर किसी में रमण करता है। तो उस दिव्यता को देख लिया ना अंगों के बाहर, गोली भले ही मुझे मार दो पर मुझे अभी भी दिखता है। ये जैन शास्त्र में एक घटना है जिसमें कि एक जैन मुनि मौन हो गया था, और ब्रिटिशर्स ने अपना छावनी लगाया हुआ था उस तरफ से हो जाता था, और उसने एक कसम खा रखा था कि मरते मरते एक ही बार बोलूंगा। तो यूं जा रहा था तो ब्रिटिशर्स ने बोला, कहती कि नंगा फकीर कहां जा रहा, पकड़ लिया उसको, बंदी बना लिया, और सवाल जवाब किया, इस मौन रहा। तो आखिर में एक भाला घोंप दिया सीने में कि अब तू मर। तो मरते मरते वो जैन मुनि बोल गया था कि तत् त्वम असि श्वेत केतु, सफेद चेहरे वाले व्यक्ति, मैं उसको तुम में अभी भी देख रहा हूं। तो ये दिव्यता, अंगों में देख लेने की जो क्षमता है, ये तो पूरी हमारी सभ्यता संस्कृति या जीवन का ही उद्देश्य रहा है, और हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि हम अंगों के बाहर कुछ देख सकें। इसलिए दिव्यांग अपने में एक बड़ा ही अच्छा शब्द है।